हेलो गाइस, वेलकम टू बैक थ्री डेट सेलेक्शन। आज हम देखने वाले हैं उर्फी जावेद को ट्रोल, ठीक है, रणबीर कपूर एंड आलिया एक्सपोज्ड। यह वीडियो ठगेश भाई की, ठीक है, बकचोद इंसान है हमारी तरह, ठीक है, जितने हमें उतने के शायद ये भी हैं, ठीक है। तो बाकी इसी तरह वीडियो करते स्टार्ट बिना इन दोनों की बकवास सुने कि क्या इन्होंने बकचोदी की और किस किस की माँ बहने की है। उर्फी जावेद ने इंटरनेट को छोड़कर सीधा एयरपोर्ट पे लड़ाई कर दी। ये वीडियो देखो, दिखाओ। ओ आपके बाप का क्या है? नहीं कर रहा है ना, आपके बाप ने जो अपना काम कर रहा है, इंडिया का नाम खराब होता है हम लोग का। अंकल अपना काम नहीं बोलेंगे हम, इंडिया का बोलो ना आप। अपनी बेटियों में अपना काम करना। अरे तेरी बेटियों में अपना काम करना। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जान दो उर्फी, अंकल के हाथ में पानी वाला ग्लास है। अंकल ने हाथ में ग्लास रख के बोल दिया, ऐसा कपड़ा अलाउड नहीं है इंडिया में। मैन इस पे मैन वाला मीम बनना चाहिए। चाचा बोल रहे सीधा इंडिया का नाम खराब हो रहा है। चाचा डेमोक्रेसी है, आप इतनी कॉन्फिडेंस में इंग्लिश बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला? जिसने पानी मंगाया उसको पानी दे दो, वो प्यास से मर रहा है बेचारा उधर, आप इधर इसको ज्ञान देने में पड़े हो। सही है, बेचारी उर्फी अपने नॉर्मल मूड में नॉर्मल कपड़ों में सिक्योरिटी चेक के लिए जा रही थी, चाचा ने अपने से सिक्योरिटी चेक कर दिया। उर्फी ने बोला भी अंकल को, जाके अपना काम करिए। अंकल है नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम। बैल है फूटेगी, पूछ रही होगी पैपराजी के सामने, मस्त पोज देगी, अंकल से मॉरल डोज मिल गया। ये यार उर्फी ने नॉर्मल कपड़े पहने, आई डोंट थिंक ये कपड़ों में इतना भी कुछ प्रॉब्लम है। अंकल ने अगर चार्जर पाइनएप्पल वगैरह में अगर देख लिया होता उर्फी को तो पागल ही हो जाते। उर्फी जी को ऐसे कमेंट्स तो नॉर्मली इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आई जाते होंगे, पहली बार किसी इंस्टाग्राम कमेंट को लाइव देखा है। बहुत लोग अंकल के खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुत लोग अंकल के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वो बेचारे प्यासे के फेवर में बात नहीं कर रहा है जिसके अंदर पानी लेके। ये ज्यादा सही बात है, पैंसो कोई उसके पीछे पड़ा, कोई बुड्ढे के पीछे पड़ा जिसको पानी ले रहा है। बोला यार ठकेश भाई को कोई क्यों पूछेगा यार। ये अच्छा था, जो अभी भी दो ग्लास पानी का इंतजार कर रहा है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो अंकल को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, अंकल ने बहुत ओवर बोल दिया। ट्रोलिंग जोक्स वगैरह ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया का नाम खराब कर रहे, सीधा इंडिया का नाम खराब करने के लिए और बहुत सारी चीजें हो रही है इंडिया में, इतना भी मत बोलो बेचारी को। सही बात है। और आपको तो पता ही होगा बारबी और ओपेनहाइमर मूवी का क्लैश हुआ। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा पता था, देखते हैं ये इनका क्या कहना है। एक तो पैसा बढ़ा पिछले हफ्ते, ओए होए होए होए, दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई। ऑनेस्टली बारबी को हाइप इसलिए मिली क्योंकि ओपेनहाइमर साथ में रिलीज हो रही थी, मेरे को नहीं लगता बारबी को उतनी हाइप मिलती है। सही है। तो ये सबको पता होगा, लोग कंफ्यूज है कि कौन सी मूवी देखने है, बारबी और ओपेनहाइमर। तो ऐसे ही इंडिया में थिएटर के स्टाफ वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने ओपेनहाइमर मूवी में बारबी के सबटाइटल्स डाल दिए। तो ये कौन सा बाय वन गेट वन फ्री का कोड है जो हमें नहीं मिला? माना बहुत लोग दोनों मूवीज देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भाई, पहले ही वो ओपेनहाइमर ऐसी पिक्चर है बिना सबटाइटल्स के तो साला आदमी देख ही ना पाए। सही बात है, आधा तो दिमाग के ऊपर से आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है उसमें। वहाँ ओपेनहाइमर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे इसमें बारबी में गाने के सबटाइटल्स आ रहे हैं। इंटरनेट पे जैसे दोनों मूवीज को मिलाकर एक हैशटैग चल रहा है बारबीहाइमर, सीरियसली ले लिया थिएटर वालों ने, जब जरूरत था तब तो ऐसा किया नहीं, वो आदि पुरुष के टाइम किसी और मूवी का लगा देते सबटाइटल्स, थोड़ा बच जाते लोग। लोग इधर 1500-1500 का टिकट लेके जा रहे, वो सबटाइटल्स के भरोसे जा रहे, उसमें ही गोची कर दोगे तो वेस्ट। सही बात है, पता नहीं क्या ही सब पिंक पहन के जा रहे बारबी देखने। इंडिया वाले तो अलग ही है भाई, इनको तो कुछ मालूम नहीं, उधर सब कर रहे तो इधर कॉपी करने का। ओ माय गॉड, चौदह ही कौन है? मेरे को तो बहुत मजा आया, 12 बजे का शो गया था ओपेनहाइमर, रात को 3:30 तक चला, एंड जिसको साथ में लेके गया था वो अभी तक मेरे से बात नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कोई रेस्टोरेंट डोसे के साथ सांबार ना दे और उसको फाइन पड़े तो, बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी, क्या हो गया? बिहार के लाला, बिहार के बक्सर में एक रेस्टोरेंट ने डोसे के साथ सांबार नहीं दिया तो उसको फाइन पड़ा 3,500 रुपए का। पक्का कोई साउथ इंडियन ही होगा, बिना डोसे के सांबर कैसे खाएगा आदमी? हाँ, बिना लिट्टी के चोखा दे दिया तो खाएंगे क्या? सही बात है। आयरनी ये है कि इस होटल का नाम नमक है, लोगों के सांबर में नमक नहीं होता, इनके नमक में सांबर ही नहीं। इधर मुंबई में आओ कभी, ऐसा इडली वाले के लोग जाते हैं ना, 2 इडली में 2 लीटर सांबर चटनी पीते।
चटनी पीते। Honestly, क्या हुआ, एक साल पहले यहाँ से एक आदमी ने मसाला डोसा लिया था, घर जाकर जब उसने देखा तो उसमें सांबार ही नहीं था। उसने जब रेस्टोरेंट में फोन किया कि सांबार किधर है, तो रेस्टोरेंट वाले ने पता है क्या बोला, 140 रुपए में पूरा रेस्टोरेंट खरीद लेगा क्या? लेकिन ओनर को ये नहीं मालूम था वो एक लॉयर से बात कर रहा था। एक साल लगा लेकिन बंदा केस जीता और रेस्टोरेंट को 3,500 का फाइन लगा। ओ भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी फैमिली के बर्थडे एक ही दिन पे आते हैं तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। पाकिस्तान के एक फैमिली ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सब फैमिली मेंबर्स एक ही दिन पे पैदा होने का। यस, ये फैमिली में 9 लोग हैं, सबका बर्थडे एक ही दिन पे आता है, 1 अगस्त को। अरे आ रहा है 2-3 दिन में। सालगिरह भी होती है। 1 अगस्त 1991 इनकी शादी हुई और 3 साल बाद 1 अगस्त 1992 को इनकी सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। फैमिली प्लानिंग पर यार बहुत बड़ी बात है यार, कैसे पॉसिबल है, कैसे तुमने वो डिलीवरियां की हैं? ढूंढने का कुछ नया इक्वेशन बना रहे हो तुम लोग। ऊपर से इनका ये भी बोलना है कि ये प्लानिंग ये कॉन्शियसली नहीं कर रही है, अपने आप कुदरती हो रहा है। पेशे के लिहाज से स्कूल टीचर हैं, जिनकी अपनी तारीख पैदाइश, शादी की तारीख समेत अहलिया और 7 बच्चों की तारीख पैदाइश यकुम अगस्त है। अमीर आजाद की नवंबर में चिल्ड्रंस डे होता है, इसका मतलब ये माँ बाप की एनिवर्सरी भी 1 तारीख को ही है। तो लग रहा है एक केक में सब निपट जाता होगा। ये बात है, इतना कंसिस्टेंट में यूट्यूब चैनल पे न्यूज, इतना फैमिली हर साल हो रही है। इतनी एक्यूरेसी तो फोरकास्ट वालों की भी नहीं होती है कि कल बारिश होने वाली है या नहीं। 1 अगस्त को इनका होता ही है, 1 तारीख को इधर आदमी लोग की सैलरी नहीं आती, इनका बच्चा आ ही जाता है साला हमेशा। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में एक पत्नी ने झगड़ा करके अपने पति का घर छोड़ दिया, क्योंकि बताओ टमाटर ने खाने में 2-3 टमाटर डाल दिए थे। ये बेचारा टमाटो पूरी बना रहा था, खुद का पूरी बन गया। क्या यार, बंदा ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसको छोड़ के चली गई। SDM वाली से इंस्पिरेशन ले रही है क्या? आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को SDM बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। अच्छा ही करने वालों के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सही बात, कम से कम तेरा पति मैकडोनल्ड्स वालों की तरह तो नहीं है, साला टमाटर महंगे हुए तो डालना ही बंद कर दिया। सही बात है, आदमी ढाबा चलाता है, बिना टमाटर के शेव टमाटर अनुशाक कैसे बनाएगा, समझो यार। ऐसे में टमाटर डाल रहा है भाई, व्हाट से भाई नो। यस, दूसरों के खाने में टमाटर डालने के वजह से लफड़े हुए। तो बीवी क्यों नाराज होकर चली गई है आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। बेचारा, तो उसी को लेकर विवाद करने लगे। जी, जी, जी। उनका क्या कहना था, महंगा है टमाटर मत डालो इसलिए? जी हाँ, महंगा रहा टमाटर इसलिए। कल उठ के चमचा थाली महंगा हो गया तो हाथ में खाना खाओगे ऐसा परोसोगे? ये थोड़ा लगता था। और अगर मैं बोलूं कि आपका एम्प्लॉय अगर आपकी पूरी दुकान जला दे, तो भाईंदर में, मुंबई के भाईंदर में एक एम्प्लॉय को उसके बॉस ने एक दिन की छुट्टी दी तो उसे सुपरमार्केट में आग लगा दी। यस, हाँ एडिटर सुन, तेरे को छुट्टी चाहिए थी ना, ले ले छुट्टी और चाबी लेके जाना मेरे को। कांड ऐसे करो कि टेम्पररी लीव मांगने पर परमानेंट लीव मिल जाए। दीदी, अगर दोस्तों के साथ कैंप में बॉनफायर पे बैठने का स्टोरी डालने का था तो दुकान काहे को जलाया आदमी का? बेसिकली दीदी ने एक दिन की छुट्टी मांगी तो बॉस ने नहीं दी, फिर क्या सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो दीदी ने घी का डब्बा डाल के उसमें आग लगा दी। यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया यार। देखो अब इससे ना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, कितने लोग इससे इंस्पायर होकर अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराएंगे, है ना, फिर एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं देंगे, फिर एम्प्लॉयज आग लगाएंगे, फिर इनको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। लड़ झगड़ के मम्मी को बोला होगा मुझे चूल्हा नहीं जलाना, मैं काम करूंगी, इधर साला किसी की दुकान जला दी। मतलब अभी जॉब से छुट्टी का टेंशन नहीं, दीदी सीसीटीवी में आ गई है, अभी जेल से छुट्टी का टेंशन होगा। अगर मैं बोलूं कि कंगना ने रणबीर और आलिया की शादी को फेक बोल दिया, तो रिसेंटली कंगना रनौत ने अपनी स्टोरीज पे एक थोड़ा सा हिंट देते हुए कहा कि रणबीर और आलिया की जोड़ी शादी फेक है। यार ऐसी हेडलाइन ना कंगना के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। सही बात है, हु एल्स बट कंगना। लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपनी डेली लाइफ अपडेट डालते, कंगना कंट्रोवर्सी डालती है। जैसे कंगना ने स्टोरी में बोला, बॉलीवुड में एक फर्जी कपल है जो अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। उनकी रिसेंटली एक फैमिली ट्रिप हुई थी जहां हस्बैंड बीवी और बेटी के साथ नहीं ले गया और ऊपर से कंगना को मिलने के लिए भीख मांग रहा था। ओके, ये मधुर भंडारकर की मूवी का प्लॉट क्यों लग रहा है मेरे को? ऐसा लग रहा है बरसों बाद पेज 3 पढ़ रहा हूँ, पता है पहले आता था।
बट अगर ये बात सच है ना तो एक लौता आदमी है रणबीर कपूर जो इंस्टाग्राम में ना होने के बावजूद लोगों के डीएम्स में स्लाइड कर रहा है। रणबीर इंस्टा पे नहीं तो कंगना डायरेक्ट टैग मार देती स्टोरी में। और आगे ये भी बोला स्टोरी में कि ऐसा ही होता है जब तुम प्यार के लिए नहीं बल्कि मूवी प्रमोशन के लिए शादी करो। भाई केआरके और कंगना रनौत का बॉक्सिंग मैच कराओ भाई, दोनों टक्कर। बस फर्क ये है कि एक अच्छी एक्टर है। आगे ये भी बोला कि बॉलीवुड माफिया ने रणबीर को आलिया से शादी करने के बदले 3 मूवीज ऑफर की। अब वो मूवीज कैंसिल हो गई और रणबीर अब शादी के बाहर नहीं आ पा रहे। दीदी इतना इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? क्या है ये, कहां से आ रही है? सही, जैसे ही कंगना कोई स्टोरी डालती होगी ना करण जौहर बोलता होगा जल्दी वहां से हटो। करण जौहर का पिक्चर रिलीज हो रहा है रॉकी और रानी। करण जौहर का जब भी पिक्चर रिलीज होता है ना वो आधा टेंशन में रहेगा कि कंगना ने कुछ डाला है क्या भाई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। करण जौहर अगली बार से अपनी मूवी में कोई बोले चूड़िया कंगना गाने नहीं रखने वाले भाई, कंगना तो बोलेगा ही नहीं कभी। क्या सही गलत क्या किसको पता भाई। वैसे भी आजकल बॉलीवुड मूवी से ज्यादा बॉलीवुड न्यूज एंटरटेनिंग हो रही है। बस सही है। तो तापसी पन्नू ने भी आलिया भट्ट पे डिग ले लिया। यस, तापसी पन्नू ने आलिया भट्ट, नेहा धूपिया और कौन थी वो स्वरा भास्कर, हाँ इन लोग पे डिग लिया कि वो शादी के पहले प्रेगनेंट हो गई। तापसी ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक Q&A टाइप रखा था, उसमें एक फॉलोअर ने पूछा कि आप शादी कब करोगे, अभी तक प्रेगनेंट नहीं इसलिए शादी के प्लान्स नहीं है। लेकिन कोई बोलता नहीं है, लेकिन लोग जो बोलते हैं उनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है। सही बात है। और इंटरनेट की जनता तो आपको पता ही, इक्वेशन में एक्स नहीं ढूंढ पाती है लेकिन ऐसे चीजों में मतलब बरोबर ढूंढ लेती है। मेरे को लगता था ये उधार के कपड़े फुकट के लफड़े अपनी लाइफ में होते थे, बॉलीवुड के हर नुक्कड़ पे एक लफड़ा खड़ा है। आस में एनीथिंग मत किया करो भाई, कल को कोई OTP मांग लेगा वो भी दे दोगे। मैं भी चाहिए कि हम आस में एनीथिंग रखे तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दो @mahesh करो, हमें भी करो। हमारे वीडियो में ईशान अली पे बनाया था, यहाँ पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट बोला हमारे वाला भाई ने। तो ये थी तकेश भाई की वीडियो, मजा आया। बीच बीच में बहुत अच्छे थे, बीच बीच में थोड़ा नॉर्मल था। बाकी इसी के साथ वीडियो करते मिलते हैं आपको।